कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फॉर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। पूज्य सुधा सागर जी महाराज को मैंने देखा जब रामटेक में, जब आचार्य ऋषि के दर्शन करने आए थे वो, तो वो आचार्य ऋषि के चरणों का गंधोदक ऐसे पूरे सिर पे लगा रहे थे जैसे स्नान कर रहे हों। गंधोदक मैंने देखा कि देखो, और रोते रहे। और अभी भी कुंडलपुर में जब आचार्य ऋषि के दर्शन करने के लिए आए तो वहीं बैठ गए, आचार्य ऋषि प्रवचन करते रहे और आंसू बहाते रहे। वो ये कहलाता है समर्पण। क्या आपके अंदर ऐसा समर्पण आता है कभी कि आचार्य भगवान के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा उमड़ती है? तो चर्चा चल रही थी आगे की कि रीवा में आचार्य ऋषि के सम्य शिखर जी की वंदना के लिए बनारस की ओर बिहार करेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। चूंकि रीवा से मिर्जापुर तक बीच में कोई जैन समाज नहीं, इसलिए रास्ते में आवास चौका आदि की व्यवस्था के संबंध में चर्चाएं हो रही थी। किंतु आचार्य ऋषि जी ने वापस बेला का रास्ता पकड़ लिया, संभवतया बड़े बाबा कुंडलपुर का बुलावा आ गया हो। और उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे। जैसे ही बेला से पूर्व चौराहे पर सतना का रास्ता आया तो उन्होंने आचार्य ऋषि से निवेदन किया, आचार्य ऋषि जी सतना पधारे। तब आचार्य ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, आपका काम खत्म हो चुका। और बेला ग्राम ना जाकर आचार्य ऋषि अमर पाटन की ओर बढ़ गए। रीवा से लगभग 30 किलोमीटर चलकर सड़क के किनारे एक खेत के रहा, जहां पर अनाज एकत्रित करके रखा जाता है। मैं जाकर जमीन पर बैठ गए। मौसम उस वक्त खुला हुआ था, थोड़ी गर्मी थी। आचार्य ऋषि एवं छुल्लक महाराज सभी प्रतिकरण में बैठ गए और सामायिक में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और काले काले बादल आ गए, अंधेरा हो गया, बिजलियां चमकने लगी। देखते ही देखते 8 बज गए, बारिश शुरू हो गई, फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। छुल्लक महाराज ने सतना में केसलोंच किए थे, उनके नंगे सिर पर ओलों की मार देखकर सभी लोग चिंतित हो गए। तेज ठंडी हवा, ओलों की वर्षा, बार बार बिजलियां चमकना और बादलों की भयंकर आवाज सुनकर लोग कयास लगाने लगे, कहीं यह स्थान गड़बड़ तो नहीं है, यह प्रकृति कृत उपसर्ग है, कोई राक्षस व्यंतर कृत उपसर्ग है। इस प्रकार विचार करते हुए व्यवस्था बनाई गई और सतना के दो युवा अमर पाटन जाकर वहां से 3 तंबू लेकर आए, लगाए और संघ को निवेदन किया, किंतु वे तो ध्यान में मग्न। छोटे छुल्लक महाराज श्री समय सागर जी 2 दिन से अस्वस्थ होने से उनको युवाओं ने उठाकर तंबू के अंदर विराजमान कर दिया। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो कि चतुर्मास का वक्त था और बैठ गए सामायिक करने तखत पर, तो लोगों ने सोचा कि ये हमारे गांव तो जाएंगे नहीं। चार लोगों ने तखत उठाया और अपने गांव में ले गए। उन्होंने कहा कि सामायिक में तो महाराज कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे भी लोग कई बार कर लेते हैं। ऐसे उन्होंने भी उठा लिया छुल्लक जी को। अब आगे के संस्मरण में एक और नया प्रसंग आता है कि आचार्य ऋषि की प्रवचन शैली, चर्या, चारित्र, वितरागता, ज्ञान साधना, हसमुख चेहरा, कभी कुछ इतने उज्जवल, पवित्र, विशुद्ध की अबाल वृद्ध नर नारी जैन अजैन सभी प्रभावित होते, आकर्षित होते, उनका सानिध्य अधिक से अधिक चाहते तथा सानिध्य को छोड़ना भी नहीं चाहते। रात भर उपसर्ग परिसर सहन किया, फिर सुबह होते ही 7 किलोमीटर चलकर अमर पाटन में 2 अप्रैल को प्रवेश हुआ, भव्य अगवानी हुई। और अब आचार्य श्री 2 घंटे में अमर पाटन से 12 किलोमीटर चलकर भीड़ा गांव पहुंच गए, सरकारी स्कूल में रुके। 6 अप्रैल को प्रातः 12 किलोमीटर बिहार करके आचार्य श्री मेहर नगर पहुंचे। लगभग 12
से 15 घर की जैन समाज ने अगवानी की और जैन धर्म की अच्छी प्रभावना वहां पर थी। उन्होंने सारी व्यवस्था की, आचार्य श्री रुके और 7 अप्रैल को दोपहर के बाद कटनी की ओर बिहार कर दिया। लगभग 14 किलोमीटर चलकर एक स्कूल में रुके और शाम को मेहर वालों का संदेश अमर पाटन आया, कटनी के लिए बिहार हो गया। दूरी काफी है, रास्ते में आहार आदि की व्यवस्था करना है और कुछ युवा आए। उस समय के उपरांत दोपहर में आचार्य जी ने बिहार कर दिया, हम लोग भी साथ साथ पैदल चलने लगे। जीवन में पहली बार किन्नी महाराज के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज के साथ साथ चलते उन्हें दिखता तो उनकी नजरें नीचे ही पाता। कलकत्ता की बात थी, जब कलकत्ता में आचार्य श्री हावड़ा ब्रिज पर चल रहे थे, प्रवेश हो रहा था कलकत्ता में, तो दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन आई, हेडिंग सुर्खियों में थी पेपर में कि एक संत जो पद व्यवहार करते हुए चल रहे थे और जिनकी दृष्टि नीची थी, पूरी कलकत्ता की जो पब्लिक रहती है, भीड़ रहती है, वो उनको देख रही थी लेकिन वह किसी को नहीं देख रहे थे। वे एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखते कि संगत साधु आ रहे हैं या नहीं, अपने आप में लीन एकाकी निष्प्रह चलते रहते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव में एक अद्भुत दृश्य देखा। आचार्य जी को देखकर ग्रामीण भाई खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मुख से बोलते हैं, जय राम जी की। आचार्य जी मुस्कुराकर दाहिना हाथ आशीर्वाद रूप में उठाते और मुख से बोलते राम राम। नहीं तो क्या दिक्कत है, जैसे हमसे कोई बोले राम राम तो हम भी राम राम तो बोल सकते, भगवान का राम। मेरे जिनवर का नाम राम है, जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो राम जेल में प्रवचन करने जाते या कहीं सामान्य जगह जब प्रवचन होते हैं तो हम लोग बोलते प्रभु राम भगवान की जय, या बोलते हैं सिद्ध प्रभु राम की जय, या बीतरागी प्रभु राम की जय, बीतरागी प्रभु हनुमान की जय, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आचार्य जी ने भी राम राम, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा सुना और ना आज तक कहीं देखा सुना। इस बात को गुजरे आज 44 वर्ष हो गए, पर उस समय आचार्य जी की मुस्कुराहट एवं राम राम शब्द आज भी स्मृति में ताजा है। आचार्य जी के साथ वह मंगल बिहार की यात्रा जीवन भर की पूंजी बन गई। 18 किलोमीटर चलकर शाम को एक ग्राम में बने एक सरकारी डाक बंगला में रुके। कटनी के लोग भी आ गए और प्रतिदिन की भांति यह है चलता रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फॉर्म जैन नटबोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।